पानी पियो। मेरी तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा, इतना कुछ करने के बावजूद उसने हमसे इतनी बदलेहाजी की क्यों? ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूं अपने बेटे को। गुस्सा आता है लेकिन फिर झाग की तरह बैठ भी जाता है। झाग की तरह बैठ जाता है लेकिन अपने साथ बहुत कुछ बहा के भी ले जाता है। इतना कुछ होने के बाद तो नईम को अब अकल आ जानी चाहिए थी। अब रोज रोज कौन करेगा ये बर्दाश्त? वकास भी जवान खून है और नईम का अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं था। अब हर कोई मेरू के घर वालों की तरह शरीफ तो नहीं होता। कानों का कच्चा है, जब ही तो लोगों की बातों में आकर अपना घर एक ही झटके में फूंक दिया। भाभी मुझे मत सुनाए, मैंने हमेशा उसे समझाया, आपको भी इस घर पे वो मेरे कहने पे लेके आया। अगर मैं इतनी साजिशी होती तो इसरार करती कि आपको घर लेके आए? तुम कहना क्या चाह रही हो शकीला, कि मेरा बेटा तुम्हारे इशारों पे नाचता है और अगर मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की तो तुम एक लम्हे में मेरे सर से छत छीन लोगी? मैं इतनी ताकतवर होती तो अपना घर यूं बर्बाद करती, अपने बेटे को अपने हाथ से यूं खोती? समझाऊंगी मैं वकास को, बात करूंगी उससे। कुछ तो फर्क होना चाहिए तुम में और मुझ में।